इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर प्ले स्टोर में कोई भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होता। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पे लगा दिया, यहाँ देखिए काफ़ी देर से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इस समय के बाद भी इसी तरीके से ये पेंडिंग में पड़ा रहता है। सो यहाँ पर देखिए ये कैसे होता है, ये कोई प्रॉब्लम होती है आपकी यहाँ पर इसमें प्ले स्टोर में, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा, देखिए मैनेज एप्लीकेशन डिवाइस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर देखिए अपडेटिंग एप्स, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक आपके में अपडेटिंग सेटिंग लगी हुई होगी। सो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जितने भी एप्लीकेशन होते हैं अपडेट होते रहते हैं, और जब जिस वक्त इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस वक्त कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में अपने आप अपडेट हो रहा होता है। अपडेट होने देखिए इंस्टॉलिंग होगी, ये देखिए इंस्टॉल होगी, हट जाएगा, फिर देखिए दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, इस तरीके से ये होता रहता है। तो हो सकता है ये आपके मोबाइल में दिक्कत हो, और भी एक दो तीन दिक्कतें होती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपकी में कौन सी, आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके वो समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बहकाता हूँ, और इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है नेटवर्क का, सिंपली इस वाले में ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस एंड अपडेट, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो अपडेट एप्स, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और जो देखिए जो आपकी एप्लीकेशन है अपडेट होते रहते हैं, सिंपली यहाँ पर आपका क्लिक रहा होगा, यहाँ पर जैसे कि वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन जो अपडेट आएगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। अगर आप वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो वाईफाई के नेटवर्क में आते में ऑटोमेटिक ये अपडेट होने लगेंगे, आपको इन्हें बंद करना होगा, आप जब चाहे तब अपडेट करें। तो अपने मन मुताबिक अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन डन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, ये हुई पहली सेटिंग। बाई में से दूसरी सेटिंग ये हो सकती है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन को काफ़ी समय से आप यूज़ कर रहे हैं प्ले स्टोर को, तो काफ़ी समय से यूज़ करते करते इसमें काफ़ी सारे जंक्स फाइल्स एरर आ जाते हैं, जिसके कारण ये प्ले स्टोर थोड़ा काम करना स्लो कर देता है, लैग करता है, फंसता है। तो आपको इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा, चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इसके बाद देखिए ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ऊपर में आपको देखिए फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपके में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंक्स फाइल एरर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिला है क्लियर कैच का, सिंपली यहाँ पर क्लियर कैच पर क्लिक कर देंगे। सो देखिए अभी क्लियर कैच हो चुका है, इस तरीके से क्लियर कैच कर देंगे। और यहाँ पर अगर आपका फिर भी कोई नहीं इंस्टॉल होता तो आपको लास्ट सिंपली रामबाड़ सॉल्यूशन में बता देता हूँ, ऊपर देखिए यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। सो जो इस प्ले स्टोर का जितना भी डाटा होगा, जंक्स फाइल एरर प्रॉब्लम जो भी होगा, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपको उससे ओपन कैसे करना, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपली से यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप देखिए फिर से प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। सो आपकी जो जीमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन होगी, आपको फिर से सबको साइन अप करना, हो सके तो वो हट जाए तो आपको फिर से साइन अप करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, फर्स्ट में जब इसे ओपन करेंगे तो देखिए इसी तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ से सिंपली आप जो भी चाहे वो जीमेल आईडी को यहाँ पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए यहाँ से अब आपका जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे बहुत ही आसानी से वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो पाएगा, अब कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।